दोस्तों इंडियन सिनेमा की ज्यादातर फिल्मों को इंडिया के अलावा बाहर के देशों में भी रिलीज किया जाता है और उन्हीं में से एक देश है पाकिस्तान। तो इसीलिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बॉलीवुड की तीन ऐसी फिल्मों के बारे में जो पाकिस्तान में बैन है। नंबर 3, 2012 में रिलीज हुई एक था टाइगर। सलमान खान और कैटरीना कैफ की ये फिल्म इंडिया में ईद के त्योहार पर रिलीज की गई थी और फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी काफी अच्छा रहा था, लेकिन फिल्म की कहानी की वजह से ये पाकिस्तान में रिलीज नहीं हो पाई क्योंकि मूवी की कहानी इंडिया की रॉ और पाकिस्तान की ISI खुफिया एजेंसी के इर्द गिर्द घूमती है। नंबर 2 पर आती है 2012 में रिलीज हुई एजेंट विनोद, जिसमें लीड रोल सैफ अली खान और करीना कपूर का था। वैसे तो ये मूवी इंडिया में फ्लॉप थी, साथ ही इसे पाकिस्तान में भी बैन कर दिया गया था क्योंकि फिल्म में पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को तालिबान का समर्थन करते दिखाया गया था। नंबर 1, 2013 में रिलीज हुई भाग मिल्खा भाग। मिल्खा सिंह की ये बायोपिक मूवी इंडिया में कितनी पॉपुलर है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। ये फिल्म पाकिस्तान में अपने एक डायलॉग की वजह से बैन हुई थी और वो डायलॉग था कि मुझसे नहीं होगा, मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। दोस्तों गदर के अलावा पाकिस्तान में और कौन कौन सी मूवी बैन है कमेंट में जरूर बताना।